ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में संविधान निर्माता स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि चांगेट स्थित अंबेडकर सर्किल पर मनाई गई। सेवा दल जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में बाबा साहब को फूलों की माला एवं पुष्प अर्पित कर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विद्वान बाबा साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी तथा उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। मेवाड़ा ने कहा कि बाबा साहब ने श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। इसी प्रकार सेवा दल जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुतज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। इस मौके पर सेवा दल जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट मगन सोलंकी तथा बाबूलाल पवार ने बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सेवा दल जिला अध्यक्ष एडवोकेट विक्रम सोनी, कांग्रेस नेत्री संपत्ति बोहरा, विमला जोनवाल, सेवा दल उपाध्यक्ष बाबूलाल पवार, मगन सोलंकी, सोमदेव साहू, सेवा दल पूर्व जिला मुख्य संगठक बालूराम सेन, चंद्रप्रकाश शर्मा, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष मुकेश जोशी, कर्मचारी नेता रामलाल लखन, रामस्वरूप डागर, पार्षद घनश्याम फुलवारे, गिरधारी पोपावत, अशोक पंडित, कैलाश पाखरोट, अशोक मुंद्रा, अशोक साहू, गणपत सिंह भाटी, माणक बोहरा तथा प्रकाश मेघवाल आदि कांग्रेस जन मौजूद रहे।